हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस स्टॉक का हम एनालाइज करने वाले हैं, इस स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड। पिछले साल के अगस्त के मंथ से लेकर इस अगस्त तक देखे तो गाइस हमें 1 ईयर के बीच में जो रिटर्न देखने को मिल चुके हैं, इस स्टॉक में गाइस 140% से ज्यादा के रिटर्न देखने को मिल चुके हैं, और यह सिर्फ 1 ईयर के बीच में। और अभी भी देखे स्टॉक गाइस लगातार उड़ते चला जा रहा। स्टॉक में हाल ही में हमें न्यू हाई रिकॉर्ड होते हुए दिखाई देता गाइस 11,150 रुपीज का लेवल, जिसके बाद से स्टॉक में हमें थोड़ी सी डाउन साइड में करेक्शन देखने को मिल रही थी 10,770 रुपीज के लेवल तक, जिसके बाद स्टॉक में हमें 2 डेज हो चुके इस लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। और आज स्टॉक में इसका प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, जिसके बाद स्टॉक में हमें 2.5% तक की रैली आज देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्टॉक में आज हमें न्यू हाई रिकॉर्ड होते हुए दिखाई दिया। अब इसके बाद गाइस हमें स्टॉक में जल्दी हमें 12,000 रुपीज से ज्यादा मूव आउट देखने को मिलने वाली है, जिसको आज के वीडियो में एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे, कहां पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक में जो इसका प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था गाइस 9,740 रुपीज का लेवल था, अब इसके बाद जो गाइस हमें टारगेट देखने को मिल सकता है स्टॉक में गाइस इसके प्रीवियस सपोर्ट लेवल से लेकर स्टॉक के अब तक के रेसिस्टेंस लेवल तक देखे तो गाइस हमें जो टारगेट देखने को मिल सकता है प्राइस रेंज टूल की मदद से देखे तो गाइस हमें 14% तक के टारगेट इसके बाद फिर से देखने को मिल सकते हैं। और जिसको स्टॉक के इस हाई के अब पर लॉन्ग पोजीशन टूल की मदद से अपने 14% के टारगेट देखे तो गाइस हमें 12,700 रुपीज तक के लेवल आने वाले मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें गाइस हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा स्टॉक में 11,800 रुपीज का लेवल रहेगा, देन सेकंड टारगेट स्टॉक में 12,700 रुपीज तक के लेवल हमारे टारगेट्स रहेंगे। और स्टॉक में अपने स्टॉप लॉस की बात करें, इसमें जो गाइस हमारा स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक का प्रीवियस सपोर्ट लेवल रहेगा, जो कि गाइस 11,150 रुपीज का लेवल है, और यह देखेंगे गाइस 4% के करीब बैठ रहा है। तो फ्रेंड्स, यह थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल इस स्टॉक में। जल्दी हमें आने वाले दिनों में 11,700 से लेकर ऊपर में 12,700 रुपीज तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में गाइस छोटा सा एसएल लगाकर 4% का स्टॉक में आने वाले दिनों में 14% के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकती है। स्टॉक में गाइस हमारी एनालिसिस आने वाले 1 मंथ से लेकर 4 मंथ के बीच में यह लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप गाइस आज की जो हमारी एनालिसिस थी हेल्पफुल रही होगी। गाइस वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।